थाईलैंड टू सिंगापुर सब अंग सो आइडियली इट्स शुड बी ट्वेंटी एट एम एस प्लस फाइव पकड़ के चलो इन गेम वी शुड बी हैविंग अपिंग ऑफ अराउंड थर्टी टू थर्टी टू इन फ्रॉम थाईलैंड टू सिंगापुर डायरेक्ट इट देर दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन सो द कनेक्शन इज़ वेरी स्टेबल एंड द

विथ द प्लेस यर वी आर स्टेइंग एंड एवरी थिंग प्लस ही इज अ प्लेयर उसको सेट मतलब पी सी से दूर रखना काफ़ी टाइम के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो देख रहे हैं डाइसी थिंग बट वील मेक श्योर दैट यू नो वो रहे वहाँ पे विन द मैच आर देयर आस वेन आर यू गैस ट्रेवलिंग टेंटेटिवली टें हु इज दिक्कस प्लेयर यू फो मार्स रजिस्टर्ड प्लेयर्स आर अमतरासू राइट टू एस Vibor, LF Deathmaker, and Marzel. six registered players only you can, you can only register six players jaogaya, fir, sirf team members I will be going of course G, kahan ja, rahi hai. I'm not sure they're planning to visit Singapore but I'm not sure they, they, they like they are they're planning to visit somewhere I'm pretty sure kahan Lekin the problem with G right now I think is uh, they only have seven days and the match द मैचिज बिगिन ऑन इलेवेंथ तो ग्यारह को इलेवेंथ को चालू हो रहा है उनका मैचेज तो आई थिंक इट विल बी टफ फॉर देम टू ट्रैवल ऑन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट लेट्स अब आ जाते हैं कि yes. हम लोग थाईलैंड क्यों जा रहे हैं क्योंकि थाइलैंड में देर इज अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द गेमर्स ज़्यादा पी सी कैफेज एंड सब कुछ है तो प्लस इट्स इकोनॉमिकल ऑल्सो इन कम्पेयर टू सिंगापुर तो या देट इज़ वी आर गोइंग टू थाईलैंड जस्ट नाउ सेट्स ये बीन अप्रूव एज अटर ओ हाँ मतलब मेंटर एंड अ कोच इज़ अ डिफरेंट थिंग नो इफ वो एक बात बता थाईलैंड में जाकर uh, क्यों खेल रहे लैन इवेंट होने वाला है क्या नहीं नहीं वी आर ट्रेवलिंग टू थाईलैंड फॉर टू स्पेसिफिक रीजन्स वन टू मिनिमाइज द पिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम मुंबई ऑफकोर्स टू बिकॉज इट इज मोर स्टेबल देन इंडिया बिकॉज बैंकॉक टू सिंगापुर का डायरेक्ट इंटरनेट के कनेक्शन है राउटिंग है डायरेक्ट राउटिंग है देर इज नथिंग इन बिटवीन इंडिया में वैसा डायरेक्ट राउटिंग का सिस्टम नहीं है एंड एवरीथिंग इज मोर द इंटरनेट स्पेसिफिकली इज मोर स्टेबल एंड स्मूदर इन बैंकॉक दैन टू प्ले फ्रॉम चेन्नई दीज आर द ग्रुप्स ओब्लिवियन फोर्स साउथ बिल्ट ई भाई ये कैसी टीम है इनका नाम ही नहीं है विकीपीडिया पे साउथ बिल्ट इज़ अ साउथ ईस्ट प्रोफेशनल फिलीपींस की टीम है ओके सो फिलीपींस की टीम है ना फिलीपींस का सिंगापुर में कितना पिंग मिलता है ओके दे विल बी प्लेइंग ऑन फिफ्टी फिफ्टी फाइव एम एस ओके ओके फिलीपींस की टीम है तो so, अगर हम लोग इनके अगेंस्ट खेलते हैं फ्रॉम थाईलैंड इट विल बी चिल अस साउथ बिल्ट नहीं साउथ बिल्ट है फ़िलीपींस की उनके अगेंस्ट अपना चल रहेगा और ये वाली हांगकॉन्ग की टीम है ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन हांगकॉन्ग की है सिंगापुर का पिंग क्या है हांगकॉन्ग थर्टी टू ओके ओके इसका मतलब बीइंग एट थाईलैंड विल बी कॉम्पिटिटिवली एट अ सिमिलर पिंग टू दीज टू टीम्स अभी क्वेश्चन ये है कि प्लेन से कौन सी चार टीम इधर आएंगी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ग्रुप ए का फर्स्ट सीडिंग इधर आएगा और लास्ट सीडिंग शायद डी में जाएगा या ए सी हो सकता है बी डी हो सकता है यू नो क्रॉस और ऑल्टरनेट एंड ग्रुप बी का फर्स्ट ग्रुप बी के उसमें आएगा ग्रुप बी का सेकेंड या तो सी आर डी में आएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जी कमिंग टू आर ग्रुप अगर बी और डी का कॉम्बिनेशन हुआ a और ए और सी का कॉम्बिनेशन हुआ एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स इज प्लेइंग एट इज सेकेंड तो देर इज अ पॉसिबिलिटी सेम कंट्री कंट कम अभी लेकिन सेम कंट्री तो आएंगी ना मतलब ऐसा रूल है क्या कहीं लिखा है क्या ऐसा कहीं लिखा है तो फिर मतलब कहीं लिखा है क्या ऐसा लाइक इफ इट्स रिटर्न देन पॉसिबल है क्योंकि कहीं ना कहीं तो दो टीम आएंगी ही सेम कंट्री की अगर अकॉर्डिंग टू वट यू गाय से तो साउथ एशिया इधर आनी नहीं चाहिए क्वालिफाई होके सपोज इधर मैं पकड़ के चलता हूँ कि इधर इंडोनेशिया है ना आई ठीक है ऑनिक इधर से क्वालिफाई होती है ऑनिक का ऑलरेडी दो ग्रुप में है तो ऑनिक अगर क्वालिफाई होती है तो वो सी में आएगी बराबर और थाईलैंड भाई किसी ना किसी ग्रुप में वो हो ही सकता है वैसे आई एम नॉट गेटिंग इट ओके चलो ग्रुप स्टेजेस में अगर नहीं आ सकती तो सही है